हेलो दोस्तों, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपना आयरन का तवा क्लीन कर सकती हैं, जिसे हम लोहे का तवा भी कहते हैं, कि उसमें एक मोटी सी जो परत जम जाती है कार्बन की, उसको आप कैसे क्लीन कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम इस कार्बन की जो परत है इसको क्लीन ना करें तो जब भी हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो वो जला जला बनता है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने इसे कैसे क्लीन कराया है। तो दोस्तों, उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस को ऑन कर लेना है और तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक उसमें अच्छा खासा धुआं ना आने लगे। तो इसमें धुआं आने लगा है। अब आपको इस टाइप का कोई भी पलटा लेना है जो आगे से काफ़ी पतला हो, जो स्क्रैच आप उसे करें वो आराम से स्क्रैच हो सके। तो देख सकते हैं आप, इतना पतला आपको लेना है ये पलटन, इसे मैं अपनी भाषा में कहती हूँ। तो इस टाइप से आपको इसको स्क्रैच करना है। गैस को तेज फ्लेम में ही आपको रखना है, हाई फ्लेम में ही रखना है और अच्छे से आपको स्क्रब करना है। देखेंगे आप, जब ये हल्का हल्का तवा भी गर्म होगा और आप इसे स्क्रैच करेंगे, वो आराम से स्क्रैच होने लगेगा। जो भी इसमें परत है वो आराम से निकलने लगेगी, जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा परत जम जाती है पराठे बनाते टाइम, वो सारी आराम से निकलने लगेगी। इस टाइप से आपको स्क्रब करना है, हाई फ्लेम में ही करना है और तब तक आपको इसमें स्क्रब करना है इस तरीके से जब तक जो आपकी अच्छे से कार्बन वाली जो परत है वो आराम से निकलना जाए। आपके पास इस टाइप का पलटन नहीं है तो आप किसी भी चाकू की सहायता से भी इस टाइप से स्क्रैच कर सकती हैं इससे। तो देख सकते हैं आप, अच्छे से स्क्रैच हो रहा है और कितना सारा कार्बन इसमें निकल रहा है। तो मेरे तो तवे में साइड में ज़्यादा था और ये इतना सारा कार्बन इकट्ठा हो चुका है और साइड से जो तवा है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब जितना भी ये कार्बन निकला है इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे फेंक दूँगी। और तवा गरम है और गैस मैंने ऑफ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तवे को क्लीन करने के लिए आप इनमें से कोई सा भी स्क्रब ले सकती हैं, जिसे हम स्टील के बर्तन भी क्लीन करने के लिए लेते हैं वो भी ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और विनेगर आपको इस तवे में डालना है कम से कम 4-5 चम्मच। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकती हैं। 1 चम्मच खाने का सोडा आपको लेना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिश जेल लूँगी 1 चम्मच के करीबन। आप पे डिश जेल नहीं है तो आप डिश बार भी ले सकती हैं। ये विनेगर थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसे स्क्रब कर लूँगी पहले हल्का हल्का। अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें, तो आप देखेंगे सुबह जो आपका तवा है वो आधे से ज़्यादा खुद क्लीन हो जाएगा। और इस पानी को मैं एक कटोरी में सेपरेट कर लूँगी और इसी पानी से मैं स्क्रब करूँगी। अच्छे से आपको स्क्रब करना है। मुझे इसमें थोड़ा सा जो डिश जेल है झाग नहीं नज़र आ रहा है तो मैंने थोड़ा सा डिश जेल और डाला है और इसे हम अच्छे से स्क्रब करेंगे। जिससे हमारा तवा अच्छे से क्लीन हो जाए। मैं थोड़ा सा ये विनेगर का पानी लूँगी, उसी से स्क्रब करूँगी। अगर आप नॉनस्टिक का तवा क्लीन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, आपकी जो पूरा नॉनस्टिक का तवा ख़राब हो जाएगा। ये सिर्फ लोहे के तवा को क्लीन करने के लिए मैंने बताया है। तो आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा जितनी भी परत थी वो सारी हट चुकी हैं, तवा भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है मेरा। अब इसे मैं वॉश करके आपको बताती हूँ। तो इसे मैंने वॉश कर लिया है तो आप देख सकते हैं जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा परत थी वो सारी हट चुकी है। अब मैं इसे सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद देख सकते हैं आप, तवा अच्छे से साफ़ हो चुका है और इसमें बीच में कट सा लगा है इसलिए गहरा है यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।